बता रहे थे। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कनाडा में होने वाली विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल नहीं होंगे। भारत के इस फैसले को किसान आंदोलन पर कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत ने पहले ही कनाडा के पीएम की किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणी पर जताई थी आपत्ति और साफ कर दिया था कि इस तरह के बयानों से दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। कोरोना पर रणनीति को लेकर 7 दिसंबर को यह वर्चुअल बैठक होनी है। पिछले महीने विदेश मंत्री ने कनाडा के विदेश मंत्री के नेतृत्व में इस बैठक में हिस्सा लिया था, लेकिन अब यह जानकारी के एस जयशंकर शामिल नहीं होंगे। नीरज हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। किसान आंदोलन पर कनाडा के पीएम की टिप्पणी से जोड़कर ये जो अब जानकारी मिल रही है कि एस जयशंकर शामिल नहीं होंगे बैठक में, देखा जा सकता है क्या नीरज? देखिए बिल्कुल, किसान आंदोलन से ही से जोड़ के देखा जाना चाहिए, क्योंकि हालांकि जो हमें जानकारी मिले उसके मुताबिक उस जो एस जयशंकर हिस्सा नहीं लेंगे उसमें इस बात के बारे में नहीं बताया गया कि उस बयान से नाराजगी है। लेकिन गायत्री, आपको याद होगा कि कल ही विदेश मंत्रालय ने कनाडा के हाई कमिश्नर जो कि उच्चायुक्त है भारत में, उनको समन किया था और भारत की तरफ से ऐतराज जताया था कि इस तरह के बयान चाहे प्रधानमंत्री हो या वहां के कैबिनेट मंत्री हो किसान के मसले पे ना दें, क्योंकि ये भारत का अंदरूनी मसला है। और अब ये खबर आई है कि 7 दिसंबर को जो बैठक होने वाली है वर्चुअल बैठक है और तमाम देश इस तरह की पहल कर रहे हैं कोरोना के मसले पे, लेकिन पिछले महीने एस जयशंकर ने इस बैठक में हिस्सा लिया था लेकिन इस बार वर्चुअल तौर पे हिस्सा नहीं लेंगे। और खुद भारत की तरफ से ये बताया जा चुका है कनाडा को कि अगर इस तरह के बयान आते रहे तो भारत और कनाडा के रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। और उसी का एक नतीजा यह है कि जिस तरह से लगातार बयानबाजी की जा रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, कल जब भारत की तरफ से समन किया गया वहां के उच्चायुक्त को, उसके बाद भी कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि हर तरह के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को वो समर्थन करते हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को लेकर खुशी जताई कि बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी नीरज देते हुए कि कनाडा के पीएम ने जिस तरीके से किसान आंदोलन पर टिप्पणी